प्रश्न के बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई प्रॉब्लम होती जा रही है। अभी तक ये पाया गया है कि हिंदुस्तान में और विश्व में इसकी जो संख्या है, अन्य बीमारियों से ये काफ़ी आगे निकल रही है और आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक डिप्रेशन शायद पहले नंबर पे आ जाएगा, जो बाकी जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, उनसे भी ये ऊपर चला जाएगा। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हम आपको इसके जो लक्षण हैं, इसके उपचार के तरीके हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप इसको कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि अभी भी हमारे देश में डिप्रेशन को पहचान पाना एक बहुत बड़ी बात है। जब तक इसको पहचानेंगे नहीं तो स्वाभाविक है इसका इलाज भी संभव नहीं है। इसमें पहली चीज है कि आपको कैसे पता लगे कि डिप्रेशन क्या है, किस आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, या आप स्वयं को डिप्रेशन है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनमें कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि इसमें पहला सिम्टम ये होता है कि अगर आपका मन दिन भर या दिन में काफ़ी समय तक उदास रहता है, मन में कुछ निराशावादी विचार आते हैं, कम बोलने की इच्छा करती है, नींद की कमी या नींद की अधिकता, दोनों ही इसके सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि नींद डॉक्टर साहब मुझे आ रही है तो मेरे को डिप्रेशन नहीं हो सकता है, नींद की अधिकता में एक डिप्रेशन का सिम्टम है। एकाग्रचित होने में अगर आप में बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जैसे आप पहले अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन में आपकी एकाग्रता कम होती जा रही है, या आप अपने जॉब के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी भी दैनिक कार्य के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा मानेंगे वो भी एक डिप्रेशन का छोटा लक्षण है। और छोटी छोटी बातों पे उत्तेजना होना, उत्तेजित हो जाना, गुस्सा आना, या किसी बात को लेके जिस बात की कोई ऐसी अहमियत नहीं हो उसको लेके भी आप घर में अक्सर लड़ाई कर लेते हैं, या चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसे भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। या किसी भी अनहोनी या घर में किसी घटना को अपने आप स्वयं जिम्मेवार मान लेते हैं कि मेरी गलती के कारण ये हुआ, मैंने ये किया इसलिए ये हुआ, तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। आपके चेहरे को देख के दूसरा भी बताएगा कि आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कोई बीमारी की हो रहा है, तो भी आप सोचना कि मुझे इस पर गौर करना चाहिए। कभी कभी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि दिमाग में आत्महत्या के भी विचार आने लगते हैं, और अगर आत्महत्या के विचार आते हैं तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर दिमाग में अगर नेगेटिव, हर काम के प्रति नेगेटिव विचार आने लग गए हैं तो भी इसको आप गंभीरता से लें। नींद की कमी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, कमी या अधिकता दोनों इसमें होती है। शारीरिक सिम्टम भी कुछ इसमें होते हैं, जैसे ये केवल मानसिक ही नहीं है, इसमें कुछ शारीरिक सिम्टम भी होते हैं, जैसे शरीर में बहुत जल्दी थकान आने लग जाती है, काम करते करते आप बहुत थक जाते हैं, शरीर के किसी भी अंग में दर्द होने लग जाता है, ये दर्द घूमता रहता है, जैसे कभी सिर में दर्द हो गया वही दर्द घूम के कभी पैरों में आ गया, कभी कमर में आ गया, कभी पेट में आ गया, और शारीरिक क्षीणता महसूस होने लग जाती है, ये भी एक तरह का अवसाद का ही सिम्टम है। वजन का कम होना, वजन का अत्यधिक बढ़ना, भूख का कम लगना, भूख का अत्यधिक बढ़ना, जो एक नेचुरल चल रहा होता है उससे अलग हटके अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम हो तो आप इससे ये समझें कि ये कुछ एबनॉर्मल मेरे अंदर हो रहा है, कुछ चेंजेस मेरे अंदर हो रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में चिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए। ये तो कुछ मोटा मोटी सिम्टम्स है, कुछ विशेष सिम्टम्स हैं जिनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर पाए, कर सकें तो करें, तुरंत करें और अपना उपचार करवाएं। इन सिम्टम के बाद अपन बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में,
ट्रीटमेंट क्या, किस तरह का अक्सर ये माना जाता है कि डिप्रेशन में मनोचिकित्सक केवल नींद की दवा देता है या कुछ नशे की दवा दे के सुलाए रखता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले चिकित्सक आपसे पूरी हिस्ट्री लेता है, आपकी बीमारी के बारे में जानता है, फिर कुछ आपको उसके बारे में कुछ बताता है कि आप इस तरह कुछ कीजिए, दैनिक चर्या को आप चेंज कीजिए, आप अपने रहन सहन में कुछ बदलाव कीजिए, खान पान में बदलाव कीजिए, योग कीजिए। ये सब चीजें जो है ये नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के रूप में मानी जाती है। काउंसलिंग करता है आपसे, पहले एक दो विजिट में वो काउंसलिंग भी करेगा, आपको समझाएगा कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और दैनिक कार्य बिल्कुल ही बाधित हो जाता है, तो उस समय हमें उपचार के लिए सोचना पड़ता है। केवल काउंसलिंग ही उसमें ट्रीटमेंट में संभव नहीं है। तो उस समय हम कुछ मेडिसिन्स होती है जो एंटी डिप्रेसेंट होती है, जैसे मेडिसिन शुरू करते हैं 2-3 महीने 4 महीने मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद अपने आप बंद कर देते हैं, फिर जब डिप्रेशन लगता है फिर ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें। इसमें आप रेगुलर जो ट्रीटमेंट है उसको लंबे समय तक लें। कम से कम ये मानते हैं हम लोग 6 मंथ का ट्रीटमेंट है, 6 मंथ के बाद में हम मेडिसिन को धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिप्रेशन का इलाज मनोचिकित्सक के अलावा भी सभी चिकित्सक करते हैं, लेकिन वो आपको बंद करने के तरीके को ढंग से नहीं बता पाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस दवा को कैसे बंद करनी चाहिए। इस दवा को बंद करने में, जैसे हमने आपका ट्रीटमेंट अगर 1-6 महीने किया, तो हमें बंद करने में 3 से 4 महीने कम से कम लगते हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि दवा को बंद बहुत स्लो करते हैं, जिससे कि ये एक फिनोमेन होता है, रिबाउंड फिनोमेना। अगर अचानक बंद कर देते हैं, जो सिम्टम हमने ठीक किए थे वो वापस उससे बड़ी भी मात्रा में पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज आप अपने चिकित्सक से रेगुलर परामर्श के द्वारा ही जान सकते हैं कि इस दवा को हम कितने समय तक लें, कैसे लें और कब बंद करें। इसके जो साइड इफेक्ट्स के बारे में भी लोग बाग बहुत पूछते हैं। ऐसी कोई दवा नहीं होती जिनके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हर एक दवा के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं लंबे समय तक लेने के, क्योंकि इन दवाओं पर जो रिसर्च हुई है विश्व में, वो सारी ऐसी रिसर्च हुई है कि इसको आप लंबे समय तक लेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा है, शुगर की दवा है, आजीवन लेनी पड़ती है, तो उनको पूरा टेस्टिंग की जाती है कि हाँ ये लंबे समय तक आजीवन ले तो कोई इनका दुष्प्रभाव शरीर पर न पड़े। इसी तरह डिप्रेशन की जितनी भी दवाइयां हैं उनकी बहुत लंबी 20-30 साल की स्टडीज होती है, उसके बाद में ही ये अप्रूव की जाती है कि हाँ ये सेफ मेडिसिन है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इनके कोई लॉन्ग टर्म लेने पे कोई बड़े साइड इफेक्ट होते हों। छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं उनको अपन टॉलरेट, क्योंकि अपनी बीमारी इसको इलाज कराने के लिए उनको टॉलरेट, उनकी अपन को सहन करना आवश्यक हो जाता है, और वो अपने आप धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट हो जाती है मेडिसिन, और उसके बाद में इसको हम धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। अब जो मेन पॉइंट है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, उसको स्वयं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि डिप्रेशन के पेशेंट को दवा तो लेनी ही है, अगर आवश्यकता है तो दवा लेनी है, पर साथ साथ योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, जो भी आपके पॉसिबल हो, लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, अपनी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक नागरिक जो है वो डॉक्टरी परिभाषा या अपने आप को डॉक्टर समझ के वे आपको कोई ना कोई नई ज्ञान देगा कि इन दवाइयों से ये हो जाएगा, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे बातों पे उनसे चर्चा करें और अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, अपना समय जो जितना भी हो उसको दूसरी तरफ लगाएं, अपने काम के अलावा फ्री वक्त में आप अच्छी किताबें, प्रेरणादायी किताबें पढ़ें, टीवी देखें, कुछ समय के लिए परिवार के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, बीमारी के विषय में कम चर्चा करें, जिससे कि आपका दिमाग उस बीमारी से हटे। परिवार वालों को क्या करना चाहिए? परिवार वाले दवा के बारे में ध्यान रखें, दवा को समय पर आपको लेने के लिए कहें, और दवा की जो रेगुलर डोजिंग है उससे अधिक डोज न लेवें।
ये भी आपको परिवार वाले बताएं। अगर आप दवा को गलत तरीके से ले रहे हैं तो चिकित्सक से सलाह करें। और सबसे बड़ी चीज है, परिवार का कोई सदस्य कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करे बीमारी के प्रति कि भाई तुम्हें तो मानसिक बीमारी है, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, दवा खाओगे, तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करे, उसको पॉजिटिव मोटिवेट करे, तो शायद आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशन। फैमिली का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो परिवार वालों को करनी चाहिए। तो डिप्रेशन एक कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अपने समाज में, हिंदुस्तान में, खास तौर पे हिंदुस्तान के इस पार्ट में जहाँ एजुकेशन स्तर जो है वो थोड़ा सा कम है, जिसको भी बढ़ाना अपने अपना ही काम है, लेकिन उसके कारण डिप्रेशन या मनोरोग के बारे में लोगों को कुछ कम ज्ञान है। इसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से सुने, इसको बार बार सुन के आप अपने आसपास के लोगों को बताएं, जिससे कि वो भी ये जाने कि ये बीमारी होती है, इसका उपचार होता है और ये कंप्लीट ठीक भी होती है। इसके बहुत से तरीके उपचार के हैं, ऐसा न समझे कि सिर्फ नींद की दवाई ही इसका उपचार है।